फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आधार कार्ड जो है कैसे डाउनलोड किए जाते हैं। तो इसके लिए सिंपली आपको जो है एक ब्राउजर ओपन कर लेना है, जैसा कि मैं जो है यहाँ पर गूगल क्रोम ओपन किया है। तो सिंपली यहाँ पर जो है सर्च बार में टाइप करना है UIDAI, लिखकर सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च करते हैं तो सामने में आपको जो है ये वाला वेबसाइट दिखाई पड़ेगा, तो सिंपली इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो वेबसाइट का इंटरफेस आपको इस तरीके का दिखेगा। तो यहाँ पर आपके सामने जो है गेट आधार का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर नीचे में जो है एक ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड आधार का, तो सिंपली यहाँ पर इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पॉपअप खुलकर आ जाएगा, यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर जो है ऑलवेज सॉ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने जो है इस तरीके का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। तो नीचे की ओर जैसे ही आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर जो है आपके सामने डाउनलोड आधार का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर सिंपली आपको जो है क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है इस तरीके का ऑप्शन खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर जो है आपके सामने ऊपर में जो है तीन ऑप्शन मिलेंगे, एक आधार नंबर, एक इनरोलमेंट आईडी और तीसरा जो है वर्चुअल आईडी। तो आप जो है तीन तरीके से जो है आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सिंपली आधार कार्ड नंबर फिल कर देता हूँ। उसके बाद नीचे में जो है आपको कैप्चा फिल कर देना है। उसके बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है सक्सेस ओटीपी का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पर जो है आपको नीचे में ओटीपी फिल कर देना है। आपके मोबाइल में एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद वेरीफाई एंड डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स, ध्यान रखें कि आपके मोबाइल में तभी ओटीपी आएगा जब आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक किया हुआ रहेगा। उसके बाद यहाँ पर जो है आपके सामने जो है इस तरीके का ऑप्शन खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर जो है कॉन्ग्रेचुलेशन लिखा हुआ है। उसके बाद जो है यहाँ पर बता रहा है कि जब आप आधार कार्ड डाउनलोड करेंगे पीडीएफ के रूप में तो आपका जो है एक पासवर्ड मिलेगा। उस पासवर्ड को जो है आपको कैसे बनाना है, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है, आपको अपने नेम के जो है चार लेटर लेना है। उसके बाद जो है आपका डेट ऑफ बर्थ का ईयर लेना है, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है अनीस वाई कुमार, तो अनीस का चार लेटर लेना है, जैसे ANIS, तो यहाँ पर 1989 इसका डेट ऑफ ईयर को जो है ले लेना है। यही आपका पासवर्ड रहेगा। उसके बाद यहाँ पर गो टू डैशबोर्ड पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका आधार कार्ड जो है आपके फाइल मैनेजर में जो है पीडीएफ के रूप में सेव हो चुका है। तो चलिए मैं इसे ओपन करके दिखा देता हूँ। तो इसके लिए मैं जो है फाइल मैनेजर पर आ गया हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा जो है ई आधार जो है डाउनलोड हो चुका है पीडीएफ के रूप में। तो सिंपली मैं इस पर क्लिक करके जो है इसे ओपन कर लेता हूँ, जैसे कि मैं अपने वाला पासवर्ड यहाँ पर फिल कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देता हूँ। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मेरा जो है आधार कार्ड डाउनलोड हो चुका है।